हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एमएससीडी को लेके। आपको बैंक निफ्टी के अंदर कैसे यूज करना है एमएससीडी को, कितना टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा, आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद सेविंग ट्रेडिंग के अंदर, निफ्टी ट्रेडिंग के अंदर या फिर BTC या इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर, आपको एमएससीडी के अंदर सिग्नल लाइन कौन सी होती है, एमएससीडी लाइन कौन सी होती है, हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे आपको इंडिकेटर यूज करना है, 12, 26, 9 EMA, ये क्या क्या चीज़ होती है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी 50 इंडेक्स का। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मैंने इसको यहाँ पर ऐड करा हुआ है। उसके बाद ये मिंट्स है। अब मिंट्स का मतलब क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको देखेंगे एमएससीडी आपको कैसे यूज़ करना है, क्या हिस्टोग्राम लाइन होगी, कैसे सिग्नल लाइन को कट करेगी, क्रॉसओवर करेगी, तो कौन सी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमें ट्रेंड का पता चलेगा। बट सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कि कितने मिनट का, मतलब कि आप कितने मिनट का ग्राफ किस ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट्स का ग्राफ है, अगर आप यहाँ पर निफ्टी ट्रेडिंग करें या फिर बैंक निफ्टी करें या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शंस के अंदर करें या फिर स्टॉक्स के अंदर करें, तो हम हमेशा 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करें, मतलब कि 5 मिनट का चार्ट हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होगा। अब हम चलते हैं, इसको चेंज करेंगे, यहाँ से देखेंगे। अगर मैं इसको 5 मिनट्स की जगह 1 आवर कर देता हूँ, तो ये 1 आवर चार्ट किस लिए होता है कि 1 आवर मैक्सिमम यूज करा जाता है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट डे का मतलब ये हुआ कि हम आज बाय करके किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को या फिर किसी भी स्टॉक्स को कल सेल करें, तो हमेशा आप 1 आवर का चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करके 50 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे, तो आप इसमें पोजीशन इंट्राडे के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। बट इंट्राडे के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी बाइंग पोजीशन ली और आप 1 आवर या फिर 30 मिनट्स का आप उसको सेल कर दोगे, बट 50 मिनट्स के अंदर, क्योंकि आप 50 मिनट्स का चार्ट मैंने लगाया, तो आप देखेंगे कि 15 मिनट के अंदर एक कैंडल क्रिएट होगी। यहाँ पर देखो ये 15 मिनट की कैंडल होगी, अगली 15 मिनट की कैंडल होगी, तो इसमें आपको पोजीशन थोड़ी सी कम मिलेंगी। 5 मिनट के अंदर आपको ट्रेंड्स काफ़ी मिल जाएंगे, जिससे कोई ट्रेंड अप होगा या फिर कोई ट्रेंड डाउन होगा, बट 15 मिनट में वो थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट की में कैंडल क्रिएट होगी। 15 मिनट भी इंट्राडे के लिए यूज करा जाता है, बट मैक्सिमम लोग इंट्राडे के अंदर 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। आप उसको 15 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, बट 1 आवर का चार्ट हमेशा आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करें, चाहे आप निफ्टी के अंदर करें या फिर बैंक निफ्टी में या फिर इक्विटी के अंदर। अब हम चलते हैं कि कैसे आपको एक इंडिकेटर यूज करना है। ये मैंने ऑलरेडी लगाया है MACD, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने पर आप यहाँ से लगा सकते हैं, इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे MACD डालेंगे, MACD के बाद इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ साइड में लग जा, आप इसको यहाँ से कट कर देना, आपका ये MACD लग चुका है। अब MACD के अंदर इसकी सेटिंग देखो क्या है, मैंने सेटिंग्स पे क्लिक करा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम, फास्ट लेंथ 12, ये मोस्टली ऑटोमेटिक सेट होती है सेटिंग्स, इसकी ऑलरेडी क्या 12 होगी। फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ 26, सोर्स क्लोज और सिग्नल स्मूथिंग 9। सिग्नल का मतलब रेड लाइन की जो स्मूथिंग होगी वो 9 की होगी, 26 स्लो लेंथ, फास्ट लेंथ 12, इसको आप सेम रहने दे सकते हैं। उसके बाद स्टाइल में आएंगे तो आप इसके कलर लगा सकते हैं, आप इसके मतलब कि जो ब्लू लाइन है ये फिर येलो लाइन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये येलो की जगह आप इसको रेड करेंगे, तो यहाँ से इसको रेड रेड कर सकते हैं, ये पिंक कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। देखो यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसकी आप लेंथ मतलब कि थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं, कम, उससे कम, उस सबसे कम, ये ऑलरेडी सेट है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी में क्या आएगा, विजिबिलिटी सेकेंड मिनट्स हावर्स, आप इसकी कितनी विजिबिलिटी देखना चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी सेट होती है, आप इसको चेंज मत करना हमेशा। आप क्या है, MACD लाइन लग चुकी है। अब ये सबसे ऊपर क्या चार्ट है, सबसे ऊपर है कि निफ्टी के जो कैंडल्स हैं, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ। अब इसको मैं 5 मिनट पर ले जाता हूँ। 5 मिनट पर आने के बाद आपको ये तो सबको पता होगा कि 5 मिनट की एक कैंडल होगी, और नीचे आप जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ये आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि किस टाइम सबसे ज़्यादा पीक पे था वो, किस टाइम सबसे डाउन था, कि इसमें मतलब ट्रेडिंग हुई या बाइंग हुई या सेलिंग हुई, सबसे ज़्यादा किस टाइम बाइंग हुई, सबसे ज़्यादा सेलिंग किस टाइम पे हुई। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखो, ये कैंडल आप देख, इस कैंडल में रेड कैंडल बनी हुई, सबसे ज़्यादा
मूवमेंट था, मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई या फिर बाइंग जो भी हुई, बट सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर था। उसके बाद आप देखेंगे सबसे शॉर्ट कैंडल, ये तो अभी क्रिएट होने लग रही है देखो, बट उससे पीछे आएंगे तो आपको ये पता चलेगा। देखो ये कैंडल रेड कैंडल है, इस कैंडल में आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग बिल्कुल कम थी, इसलिए जो कैंडल इसके ऊपर जाएंगे शॉर्ट कैंडल, ये सबसे कम कैंडल मतलब कि सबसे छोटी कैंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग कम हुई है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में था? इस कैंडल के अंदर। ये कौन सी कैंडल होगी? देखो यहाँ से सीधा जंप कहाँ गया? इसके ऊपर। आप यहाँ से वॉल्यूम चेक कर सकते हैं किस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम थी, सबसे ज़्यादा कम थी, सबसे ज़्यादा ज़्यादा थी। अब बैक वापस आते नीचे, अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखो ये क्या चीज़ होती है, हिस्टोग्राम्स होते हैं। हिस्टोग्राम के क्या मतलब होगा देखो मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये जो MACD के हिस्टोग्राम बोले जाते हैं, जो सबसे ऊपर वाले हिस्टोग्राम है अप हिस्टोग्राम, ये नीचे वाले डाउन हिस्टोग्राम। अब इनका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे ये फिर रेड कैंडल, और जो यहाँ पे देखोगे कोई भी कैंडल नहीं है, मतलब बिल्कुल वाइट ब्लैंक सा आ रहा, कोई भी कैंडल ना ग्रीन है इसमें ना रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। ऐसे मैं लाइन को दोबारा ड्रैग करता हूँ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन थी देखो इस चीज़ के अंदर। और सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखोगे तो आप ये देखो ये कैंडल क्या बताती है कि सॉरी हिस्टोग्राम क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट था। मूवमेंट कौन सा था? अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, बट यह क्या है, यहाँ अपसाइड था। अपसाइड में MACD पे कैसे चेक करेंगे? MACD पे आएंगे आप, देखो यहाँ से इन्हें क्रॉस ओवर करा। अब हम आगे भी चलेंगे, अगर आगे आपको बताएंगे क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस डाउन क्या होता है, और क्रॉस अप, क्रॉस करके जो ऊपर जाएगी कौन सी लाइन ऊपर जाने पे हमें बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए, कैसे ट्रेंड का पता चलेगा। बस थोड़ा सा मैं हिस्टोग्राम का बता रहा हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप सिग्नल लाइन यूज करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे इसने यहाँ पे कट करा, कट करने के बाद कितना मूवमेंट था देखो, ये यहाँ से ऊपर चली गई और येलो लाइन यहाँ से, ये इसका मूवमेंट, इसी को बोला जाता है कि मतलब क्रॉस करने के बाद क्रॉस अप हुई, और यहाँ पे देखो कितना वो मूवमेंट था। और इसके ऊपर कैंडल्स में जाएंगे तो ये देखो बाइंग पोजीशन कितनी अच्छी थी। या आप हिस्टोग्राम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हिस्टोग्राम का मतलब यह कि जितने भी से आपकी लाइन्स होंगी, ये जितनी ये अगर ग्रीन लाइन बनती है तो मतलब बाइंग पोजीशन ट्रेंड अप की साइड है, अगर आपकी रेड लाइन बनती है तो आपका ट्रेंड डाउन साइड है, और कोई भी लाइन नहीं बनती मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक है तो आपका ये स्ट्रेट मूवमेंट है, कोई अप नहीं कोई डाउन, बिल्कुल इक्वल पोजीशन चली हुई। आप इसको इक्वल पोजीशन को काउंट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप ट्रेंड लाइन अप डाउन को आप मतलब आप ट्रेंड को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ईच पोजिशन में आप काउंट करेंगे तो आपका ये अप ट्रेंड है। अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड नहीं बोला जा सकता, क्योंकि छोटी सी रेड लाइन है बट ये भी इक्वली चला हुआ है, बट यहाँ से आप डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये देखो यहाँ तक, इस तरह आप यहाँ से बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं MACD की दो लाइंस हैं, ये कैसे कट करेंगी, कौन सी लाइन ऊपर आने पे हमें ट्रेंड अप पता चलेगा, कौन सी लाइन नीचे आने पे हमें ट्रेंड अप पता चले डाउन पता चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दो लाइंस होती हैं, सबसे नीचे येलो, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये मोस्टली रेड लाइन बोली जाती है, ये ब्लू लाइन। अब रेड लाइन कौन सी होती है? ये तो सिग्नल लाइन। ब्लू लाइन कौन सी होती है? MACD लाइन। अब आप MACD लाइन को ब्लू लाइन बोल सकते हैं, सिग्नल लाइन को आप रेड लाइन बोल सकते हैं। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि येलो लाइन का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, येलो बोलो आप रेड बोल दो, अगर ब्लू लाइन कस क्रॉस करके येलो लाइन को ऊपर की तरफ जाती है तो वो ट्रेंड अप माना जाएगा, अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है तो उसको डाउन ट्रेंड माना जाएगा। अब हम यही एग्जांपल के लिए समझते हैं कि कैसे ट्रेंड अप हुआ कैसे क्रॉस हुआ। अब देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रही थी, नीचे की तरफ आने के बाद ब्लू लाइन ने यहाँ से इसको यहाँ टच करा, इसको बोला था क्रॉस ओवर, जब यहाँ पे इन्हें टच करा, टच करने के बाद ब्लू लाइन ऊपर की तरफ चली गई तो ये कौन सी पोजीशन हुई? ये पोजीशन हुई अप ट्रेंड, मतलब कि अप ट्रेंड माना जाएगा। यहाँ से एक सिग्नल देता है MACD कि आप इसको बाइंग कर सकते हैं पोजीशन को, बट वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बट MACD के अंदर भी काफ़ी एक अच्छी एक्यूरेसी होती है अगर आप इसका प्रॉपर यूज करें,
तो ये होगा कि अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कौन सा हुआ, जब येलो लाइन, सॉरी जब ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है। अब इसने यहाँ पे क्रॉस करा और ऊपर की तरफ ब्लू लाइन है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। अब डाउन ट्रेंड कौन सा होगा, अब देखिए बिल्कुल अप ट्रेंड बना हुआ था यहाँ से, अब वापस क्या हुआ, ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुकी है, देखो येलो से नीचे की तरफ आ गई, तो ये डाउन ट्रेंड माना जाएगा। अब नीचे की तरफ आई, बिल्कुल चली हुई है, स्ट्रेट चली है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चली हुई है। अब इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो डाउन ट्रेंड की बजाय थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे मूवमेंट चला हुआ है, उसके बिल्कुल वह चला हुआ, मतलब ये देखो कैसे लाइन्स बनी हुई हैं, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मैं से देखो इस कोई मूवमेंट नहीं है, और इसी तरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे वापस देखें तो यहाँ से देखो कितना मूवमेंट है, और ये यहाँ तक का मूवमेंट। इस तरह आप ये ट्रेंड लाइन को पता कर सकते हैं। बट हमेशा आप चीज़ याद रखना, MACD के अंदर हमें चेक करना है कि अगर ब्लू लाइन, येलो लाइन या फिर रेड लाइन बोल सकते हैं आप, उसको क्रॉस करके, क्रॉस को कौन सा, क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर यही चीज़ होती है कि जब जिस प्लेस पे वो क्रॉस करती है, यहाँ पे कौन सा क्रॉस करा, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये बिल्कुल आगे कोई क्रॉस नहीं क्योंकि केवल चली हुई है, इस तरह इनको आप क्रॉस ओवर बोल सकते हैं। क्रॉस ओवर करने के बाद अगर ब्लू लाइन येलो लाइन या रेड लाइन के ऊपर चली जाती है तो उसको बोला जाता है क्रॉस ओवर, क्रॉस अप। और बिल्कुल इस तरह यहाँ पे ब्लू लाइन येलो लाइन को कट करके नीचे की तरफ आती है, इसको क्रॉस डाउन बोला जाता है। अब ट्रेंड कैसे पता करेंगे, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है तो ट्रेंड अप माना जाता है, मोस्टली कहा जाता है कि इसमें आप बाइंग पोजिशन ले सकते हैं। बट यही ट्रेंड वापस नीचे की तरफ आता है तो उसको आप डाउन ट्रेंड बोला जाता है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, एक MACD का प्रॉपर होता है। हिस्टोग्राम क्या हुआ, हिस्टोग्राम में ये हुआ कि आपको ये सिग्नल मिलेंगे कि यहाँ पे जितने येल मतलब कि ग्रीन लाइन बनेंगी जो आपकी बाइंग पोजिशन है, जितनी आपकी रेड लाइन बनेगी मतलब कि अभी हमारे पीक सेलिंग पोजीशन आ चुकी है। अब यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये बताती है कि देखो यहाँ पे येल ग्रीन लाइन बनी, उसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी फिर ग्रीन लाइन, इसका मतलब ये बता रही है कि यहाँ से आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, काफ़ी मोमेंट बाइंग की तरफ ज़्यादा है। बट नीचे की तरफ आएंगे देखो यहाँ से रेड, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी रेड, यहाँ से मतलब सेलिंग पोजीशन आ चुकी है। हिस्टोग्राम आपको ये संकेत देते हैं कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग पोजिशन ले सकते हैं। बट MACD प्रॉपर आपको चेक करनी पड़ेगी कि आप क्रॉस ओवर करने के बाद ऊपर की तरफ जाती है तो आप ट्रेंड अप माना जाएगा, नीचे की तरफ आती है आप ट्रेंड डाउन माना जाएगा। ये MACD की लाइंस होगी। चार्ट आप कितने मिनट का यूज करेंगे, आप 5 मिनट्स का इंट्राडे के लिए, 15 मिनट्स का भी इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी की ट्रेडिंग करते हैं आप 5 मिनट्स का यूज करें, इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट्स का भी यूज कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर का चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब कि 15 डेज सेविंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 डे का चार्ट यूज कर सकते हैं। MACD आपको मैंने बता दिया कैसे क्रॉस ओवर, क्रॉस अप क्या होगा, क्रॉस डाउन क्या होगा, कैसे आपको ट्रेंड अप पता चलेगा, कैसे ट्रेंड आपको डाउन पता चलेगा, हिस्टोग्राम क्या होंगे, ये सिग्नल लाइन कौन सी होगी। आप YouTube नॉलेज बुक चैलेंज पे जाके नीचे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उन पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, 5 पैसा, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।